हेलो गाइस, यू आर वाचिंग क्लैश विद संदीप। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि हमारा करंट इवेंट चल रहा है, बैलून फेस्टिवल 2v2 बैटल। उसका मैक्सिमम मतलब इवेंट का बैटल बॉर्न कैसे करें। तो इवेंट काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट ये पहला इवेंट है मतलब इस टाइप का जिसमें कोई एयर ट्रूप्स आने वाला, जैसे हमारा बैलून है। बट इससे पहले ऐसे बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं, जैसे हमारा हॉग इवेंट हो चुका है, बैंडिट इवेंट, रॉयल घोस्ट इवेंट, और साथ ही साथ ग्रेव गार्ड्स का इवेंट्स भी हो चुका है। बट जितने भी उसमें मतलब ट्रूप्स थे वो सारे के सारे ग्राउंड ट्रूप्स थे। बट ये जो पहला इवेंट है इसमें हमको बैलून जो कि एयर ट्रूप्स दिखने वाला है, और साथ ही साथ इसका जो 8 विंस पे हमको मिलने वाला है एक लेजेंडरी चेस्ट, और साथ ही साथ इसमें हमको कुछ टोकन्स मिलने वाले हैं, जैसे हमको एपिक टोकन, कॉमन टोकन ऐसे मिलने वाला है। तो ये जो हमारा है एकदम सिमिलर टू हॉग रेस होने वाला है, बट यहाँ पर बस मतलब मैक्सिमम बैलून 2 और 4 के पेयर्स में आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको बस जो अपोनेंट के जो बैलून से उनको काउंटर करना है। तो उसके लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 2 डेक लेने वाला हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खेलते हैं, अगर दोनों के पास ये इनमें से मतलब दोनों में से कोई एक डेक रहेगा, या दोनों के पास अलग अलग डेक रहेगा, तो काफ़ी इजीली आप मैक्सिमम बैटल वॉन कर सकते हो। बट अगर आप क्विक मैच करते हो, आपके साथ कोई अपोनेंट आता है, तो यहाँ पे आपको हल्की सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आपका अपोनेंट कौन सा डेक यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैं दूसरा डेक है वो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं विजार्ड यूज़ करने वाला हूँ बैलेंस को काउंटर करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बैट्स, बेबी ड्रैगन, फायरबॉल, और यहाँ पे वॉल्केरी भी यूज़ करने वाला हूँ, मेगा नाइट एंड गॉब्लिन बैरल। और जो मेरा तीसरा डेक है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक रेंज काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा बैलून्स को मतलब उनका स्पीड इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ कार्ड कॉमन है। बट यहाँ पे मैंने एक्सिक्यूशनर लिया है विजार्ड की जगह, जो कि हमारा जो बैलून है उसको काउंटर करेगा। तो यहाँ पर फायर बॉल की जगह आप रॉकेट भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बैलून 4-4 के पेयर्स में आना चालू होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो चलिए पर बैटल शुरू कर लेते हैं। इससे पहले एक बार एक और आपको डेक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैंने गॉब्लिन मतलब बैरल था, गॉब्लिन बैरल को हटा के मैंने यहाँ पे ले लिया इन्फर्नो टावर, जो कि हम मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा ऑप्शन रहेगा, जैसे जो कि बैलून को इजीली टारगेट कर सके। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है बैटल, यहाँ पर आपको सोच समझ के खेलना है। तो यहाँ पे जो मेरा पार्टनर है उसके पास उसके पास रॉकेट है काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ मेरे पार्टनर के पास फायर क्रैकर है, विजार्ड तो आप मैक्सिमम लोगों के पास देखोगे। तो यहाँ पर आपको आपके अपोनेंट को बिल्कुल भी चांस नहीं देना है, मतलब आपको जो किंग टावर है उसको तोड़ते वक्त मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बैलून 4 की पेयर्स में आना स्टार्ट होंगे मतलब गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोनों मतलब आपके लिए आपके अपोनेंट के लिए भी। तो यहाँ पे जो अब मतलब पहले बैलून को काउंटर कर लेगा वो इजीली सारा का सारा बैटल वॉन कर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसने फायरबॉल का यूज़ किया है, बट हमारे पास ये फायरबॉल है तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले बेबी ड्रैगन, और साथ ही साथ मैं विजार्ड को भी होल्ड करके रख रहा हूँ। तो मैंने अभी विजार्ड लगा दिया है, मुझे थोड़ा पहले लगाना चाहिए था क्योंकि मेरे को लग रहा है एक हिट दे देगा, ओके। तो अभी भी एक हिट नहीं आया है। तो आप मैक्सिमम आपके अपोनेंट्स को देखोगे विजार्ड, एक्सिक्यूशनर, यहाँ पे कोई बिल्डिंग कार्ड, और साथ ही साथ मस्केटियर यूज़ करते मतलब अब तो पक्का देखोगे सब कार्ड्स यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे दूसरा मतलब आ चुका है बैलून का पेयर, और साथ ही साथ हमारे अपोनेंट ने यूज़ कर दिया है एक हॉग राइडर, बट मेरे पार्टनर के पास था एक रॉकेट जो कि काफ़ी अच्छा काम किया हॉक को काउंटर करने के लिए। बस हमारे अपोनेंट के पास फ्रीज है, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है मेरा पहला टावर जा चुका है, तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इजीली इसको काउंटर कर सकते हैं। थोड़ा मतलब आपको थोड़ा इजी में खेलना, जैसे आपका डबल एलिक्सर चालू होगा आपको काफ़ी फास्ट यहाँ पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बंदे ने यूज़ कर दिया है हंटर, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग कार्ड प्ले किया, और साथ ही साथ मैंने विजार्ड प्ले कर दिया, बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट टावर ये चला जाएगा, दूसरा टावर भी, तो ओके, तो मैं दूसरा टावर भी चला गया है, तब भी हम ये मैच इजीली वॉन कर सकते हैं मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे डबल एलिक्सर चालू होगा मैं बहुत हार्ड पुश करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस बंदे ने दोबारा यूज़ कर दिया हंटर, अब देखिए मेरे पार्टनर ने प्ले किया रॉकेट, अब देख सकते हैं रॉकेट का एडवांटेज कितनी ईजिली चारों के चारों बैलून्स को डाउन कर दिया रॉकेट ने, यही तो खास बात है रॉकेट का यूज़ करने का। बट यहाँ पे हमने फायरबॉल का इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो मेरे पार्टनर आएंगे उनके पास मैक्सिमम के पास रॉकेट रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे मैंने रॉकेट यूज़ किया जो साथ ही साथ उसका पहला टावर डाउन कर दिया। और यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं विजार्ड जो कि काउंटर करेगा इनका जो यहाँ पे एक्सिक्यूशनर है,
तो फिलहाल अभी सब कुछ सही चल रहा है, ओनली 33 सेकंड्स बाकी हैं और हमें जितनी जल्दी हो सके मेरा सेकंड टावर डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप मेरा तीसरा डेक यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा रेंज स्पेल है तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट मैंने आपको बताया है ये सब आपके पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा कार्ड है, वह कौन सा कार्ड यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हमने उसको दोनों टावर यूज़ कर दिया है, अब हम बहुत हार्ड पुश करने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया एक और बात, आपको क्या करना है कि जो अपोनेंट का लून्स आ रहे हैं उसको तो काउंटर करना है और साथ ही साथ जो अपोनेंट्स का जो कार्ड जैसे एक्सिक्यूशनर विजार्ड वो प्ले करता है हमारे लून्स को काउंटर करने के लिए उसको भी डाउन करना है। इसकी वजह से आपको एक अच्छा सा मतलब एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्सिक्यूशनर को डाउन करने के लिए प्ले करूँगा, फिलहाल तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ प्ले कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो हमारा कार्ड था वॉल्करी मैंने वो प्ले किया, लंबर जैक को काउंटर करने के लिए हम इजीली बैटल वॉन कर गए। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारा दोनों टावर डाउन हो चुके थे तब भी हमें बैटल इजीली वॉन कर गए, क्योंकि ये बैटल है ही ऐसा, आपको बस अपोनेंट का लून्स को काउंटर करना है और जो हमारा लून जा रहा है बैलून उसका फ्लो बनाए रखना है। तो यही सबसे ईजी ट्रिक है, आपको बस अपोनेंट का वो काउंटर करना है लून और अपना फ्लो बनाए रखना है, उसके बाद आप इजीली ये बैटल वॉन कर जाओगे। तो चलिए यहाँ पर एक और बैटल प्ले कर लेते हैं और देखते हैं इसको भी हम इजीली वॉन कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा टाइम बैटल स्टार्ट होने में, शायद यहाँ पे थोड़ा मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तब भी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं बैटल स्टार्ट होता है और देखते हैं कि हमारा जो पार्टनर है उसके पास कौन सा डेक होता है। देखिए आपके पास इसमें कुछ ऐसे कार्ड्स लेके चलने हैं जो एयर ट्रूप्स को टारगेट कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो बैलून्स आ रहे हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके मेरे पार्टनर के पास विजार्ड है, फायर स्पिरिट्स है, यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है हमको, बट उसके पास दो या तीन कार्ड ऐसे हैं जो कि एयर ट्रूप्स को काउंटर कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है जो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मेरे पास विजार्ड है, बैट्स है, बेबी ड्रैगन है, एरोज है और साथ ही साथ फायर बॉल है, तो मतलब पांच ऐसे कार्ड है जो एयर ट्रूप्स को इजीली काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट टावर है कुछ खास डैमेज हुआ नहीं है, मैंने एरोज को यूज़ किया बट तब भी जो उनके गॉबलिंस थे उनको मतलब कुछ खास डैमेज नहीं पहुँचा है फिलहाल। तो यहाँ पे हमारे अपोनेंट पार्टनर ने यूज़ कर दिया रॉयल हॉग्स, बट साथ ही साथ हमारे अपोनेंट के पास है स्पार्की, तो यहाँ पे दो लून्स जो आ रहा है उसको काउंटर यूज़ करेंगे, हम विजार्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को अभी जितनी जल्दी हो सके इसका जो स्पार्की है इसको काउंटर करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका जो लून्स है, तो यहाँ पे अगर मैं प्ले कर देता हूँ बेबी ड्रैगन स्पार्की को काउंटर करने के लिए, तो लून्स को काउंटर करने के लिए मेरे पास रहेगा बैट्स और साथ ही साथ बैट्स मैंने पहले यूज़ कर दिया, या बिल्डिंग कार्ड्स रहेगा वो मेरे अपोनेंट ने यूज़ कर दिया फायरबॉल, इससे हमको थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है, मतलब जो उनका लेफ्ट टावर है उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे ही चुका है ऑलरेडी और ये फायरबॉल, बट हम एक्सिक्यूशनर को डाउन नहीं कर पाए और ये स्टार्ट हो चुका है 4-4 पेयर में आने लगे हैं लून्स। तो यहीं से हमारा गेम चेंजिंग पॉइंट हो है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हमने लून्स को काउंटर नहीं किया तो ईजिली हम गेम हार जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से विजार्ड प्ले कर दिया, बट मेरे को कहीं लग रहा है कि हम पहला टावर खो चुके हैं, क्योंकि हमारे अपोनेंट ने डाल दिया था यहाँ पर रेन स्पेल और साथ ही साथ जो उनका फर्स्ट टावर है वो हम शायद मतलब दोनों टावर पे हमने इक्वल डैमेज दे चुका है वैसे। तो यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ मेगा नाइट और साथ ही साथ अगर यहाँ पर मैं एरोस प्ले करूँगा वो कह रहे हो उसका मेरे को लग नहीं रहा है, यहाँ पे बैट्स प्ले करना बेबी ड्रैगन प्ले करना पड़ेगा, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है तो हमारा दूसरा टावर भी गया हमारे हाथ से, बट तब भी कोई बात नहीं, लास्ट गेम की तरह हो रहा है, सबसे पहले हमारा दोनों टावर चला जाता है, बट यहाँ पर डबल एलिक्सर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं दोबारा से प्ले करने वाला हूँ मैं फायर बॉल, जिसने उनका जो प्रिंसेस टावर है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया और साथ ही साथ लून्स को भी डैमेज यहाँ पर दे चुका है। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे दोबारा से प्ले करते हैं एक और फायरबॉल और यहाँ पे हो चुके हैं इनके चार को चार लून्स डाउन और हमारे चार लून्स अभी भी बाकी हैं और ये इनके किंग टावर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया और ये बैटल हम इजीली वॉन कर चुके हैं। काफ़ी ईजी था ये दोनों बैटल जो हमने अभी लाइव प्ले किया, यहाँ पर काफ़ी ईजीली हमने इसको वॉन कर लिया, क्योंकि जो जो हमारा डेक है काफ़ी कूल काफ़ी इंसेंट डेक है, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, बट आपके जो पार्टनर है उसके डेक के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका रिस्पांस टाइम के ऊपर भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।